फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पापिया, पापिया चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज मैं घर पर बनाऊंगी पनीर बर्गर। और पनीर बर्गर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और आशा करता हूँ सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने रखा है ऑयल, और ऑयल आप लोग कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच बटर ऐड किया है। और दोस्तों, बटर देखिए यहाँ पे जैसे अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज का प्याज को चॉप करके रखा था। जितना बारीक हो पाता है उतना बारीक चॉप करना है। तो प्याज जो है उसको जैसे एकदम गोल्डन कलर होने तक फ्राई नहीं करना है, जैसे जो प्याज का कच्चापन है बस उतना चला जाए, इतना देर तक हमें इसको फ्राई मतलब भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज में जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ के शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को मैंने इतना ही बारीक किया था जितना मैंने प्याज को भी बारीक किया था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से मतलब भून लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है दो टमाटर, टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने दिया है लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने ऐड कर किया है पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला कम से कम 1.5 चम्मच के करीब ऐड किया है। और सारे चीज़ों को और एक बार बहुत अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पनीर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर को बिल्कुल छोटा सा क्यूब्स में काट कर लिया है। और सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे गैस का जो सीम है वो बिल्कुल लो कर देना है, और लो करने के बाद इसको ढक के रखेंगे कम से कम मतलब 3-4 मिनट रखना है, जब तक टमाटर और सारी सब्जी अच्छे से पक नहीं जाते। तो यहाँ पे देखिए जो टमाटर है वो भी गल गया है, और सारे सब्जी में से भी जैसे बहुत अच्छा एक खुशबू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जी है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टमाटो केचप, और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब टमाटो केचप ऐड किया है, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता, और यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया पत्ता यूज़ किया है। और धनिया पत्ता देते ही इसमें से जो एक एरोमा है, खुशबू है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जो सब्जी है पनीर का वो भी बिल्कुल रेडी है। तो अभी गैस ऑफ कर देना है, थोड़ा सा इसको इस तरह चलाते जाना है। तो चलिए स्टफिंग को हम एक बाउल में रख लेते। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल में रखा है, और चाहे तो आप लोग इस तरह सब्जी बना के रोटी या पराठा के साथ भी मतलब सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है स्टफिंग पनीर का, और यहाँ पे मैंने लिया है बर्गर बन। और आप लोगों को जैसे तैयारी में आसानी से मिल जाएगा इस तरह बन। तो यहाँ पे चलिए पहले काट कर लेते बन को। तो बीचों बीच मैंने इस तरह कट कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने पनीर का स्टफिंग बनाया था वो दे देना है। तो थोड़ा सा जैसे ज़्यादा ही देना है, तो जो हमारा बर्गर है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे भी जो लोग पनीर नहीं भी खाते उनको अगर आप लोग इस तरह बना के दोगे ना तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बनाया था ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी में मैंने दिया था धनिया पत्ता, थोड़ा सा धनिया हरी मिर्च और नमक। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन चटनी है, एक पीस में मैंने ग्रीन चटनी लगा दिया है। इसका जो बर्गर का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा सुपर और यम्मी लगता है। तो इस तरह मैंने फिर इसको कवर कर लिया है, और कवर करने के बाद इसको साइड में रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रखा है, पैन में दे दिया है बटर, और बटर जैसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है पाव भाजी मसाला 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम, और यहाँ पे मैंने दे दिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता। और सारे चीज़ों को और एक बार अच्छे से भून लेना है। और जैसे भून जाता है दोस्तों, ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि बटर में ऑयल नहीं है, यहाँ पर बटर है तो जल सकता है। तो तुरंत इसी में जैसे हमने जो बर्गर रेडी करके रखा था इसको इस तरह भून लेना है। और इस तरह बर्गर मतलब सेक लेने से क्या होगा, जो बर्गर है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और थोड़ा सा कड़क भी बनता है कुरकुरा सा, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहे तो जैसे डिनर में भी इसको इस तरह मतलब सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो बर्गर है वो बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।
और फ्रेंड्स आप लोग अगर बच्चों को इस तरह बना के घर पर दोगे ना तो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि आपने घर पर बनाया है, आपसे पूछेंगे कि मम्मा कहाँ से बनाया है। तो एक बार घर पर जरूर ट्राई करके देखना दोस्तों, और कितना सुंदर लग रहा है देख रही है जो पनीर वाला बर्गर है। और आज का वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।